How to run Netbox IPM in Docker containers. Welcome to this guide on how to run Netbox IPM tool in Docker containers. Netbox is a free and open source tool used to manage and document computer network via the web. Netbox IPM is written in Django. It helps ease the task of creating virtual implementation of devices in a data center, which initially were being done on paper. The amazing feature of Netbox IPM include the following: VLAN management, VRF management, IPM IP address management, DCIM data center infrastructure management, circuit provider management, multi-site tenancy, single covered database, rack elevation, report alert, connection management, interface, console, power, customization, header of logos, etc. Running Netbox using Docker containers is simple because all the tedious tasks of installation dependencies such as Python, Django, etc. is avoided. Getting started. Before we begin on this guide, ensure that your system is up to date and required package installed. Sudo apt update and install curl, vim and git tools. तो ये मेरा Ubuntu सर्वर है, इस पर मैंने एक वेब कंसोल पैकेज इंस्टॉल कर रखा है जिसका नाम कॉकपिट है. इसके थ्रू मैं अपने Ubuntu OS को वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ. तो ये वेब कॉकपिट वेब सर्विस मैंने इंस्टॉल कर रखी है और एक्टिव है क्योंकि मैंने इसको एक वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर रखा है. तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ अपने वर्चुअल मशीन को और अपने मेन मशीन पर आ जाता हूँ. यहाँ पे मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ और जो मेरा वर्चुअल मशीन का IP एड्रेस है वो है 192.168.0.251 और जो वेब कंसोल का पोर्ट है वो है 9090. तो ये एक्सेस हो गया है. इसका यूज़र नेम है Ubuntu और पासवर्ड मैं डालता हूँ तो लॉगिन कर लेते हैं. दोस्तों देखिए, ये मेरा Ubuntu का वेब कंसोल मेरे सामने आ गया है. अब इसके हम टर्मिनल पर चलते हैं, रूट यूज़र लॉगिन कर लेते हैं. तो टाइप करिए sudo space su, रूट यूज़र लॉगिन हो गया है. अब सबसे पहले हम अपने Ubuntu को अपडेट कर लेते हैं. sudo space apt space update, तो इससे हमारा OS अपडेट हो जाएगा. देन इंस्टॉल जो ये कुछ पैकेज हैं, curl, vim एंड git, ये वाले पैकेज हम इंस्टॉल कर लेते हैं. वेटिंग फॉर कैश लोड, तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस रन कर रहा है, इस प्रोसेस को हम किल कर लेते हैं. तो टाइप करें किल स्पेस -9 स्पेस प्रोसेस आईडी, तो प्रोसेस आईडी है 35206. दोबारा इंस्टॉल करते हैं curl, vim, git को. तो अभी एक प्रोसेस और रन कर रहा है, इसको भी हम किल कर लेते हैं. किल स्पेस -9 स्पेस 37349 जो कि प्रोसेस आईडी है, एंटर करेंगे तो प्रोसेस किल हो जाएगा. दोबारा इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर. तो दोस्तों देखिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने स्टार्ट हो गए हैं. सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए apt, vim एंड git. अब डॉकर एंड डॉकर इंस्टॉल, डॉकर एंड डॉकर कंपोज, तो हमें डॉकर कंपोज और डॉकर इंस्टॉल करना है हमें अपने Ubuntu पे. तो उसके लिए आप टाइप करेंगे sudo space apt space install space docker.io. तो डॉकर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, मैं डॉकर का वर्जन दिखा देता हूँ आपको. डॉकर स्पेस -- वर्जन, तो डॉकर वर्जन 2.0 इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी. इसमें हम डॉकर कंपोज इंस्टॉल करेंगे. तो उसके लिए सिंपली देन ऐड योर सिस्टम यूज़र टू द डॉकर ग्रुप. तो पहले हम डॉकर ग्रुप में ऐड कर लेते हैं अपने सिस्टम यूज़र को. sudo space user mode space -ag space docker space $ user, then new group space docker, and now proceed install docker compose, download the latest version. तो latest version download कर लेते हैं हम curl command से, and enter. तो docker compose download हो गया है. अब इसको हम मेक द एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो हम उसको एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे. तो उसके लिए कमांड यहाँ पर टाइप करेंगे chmod की, तो एग्जीक्यूटेबल हो गया है. अब इसको हम अपने पाथ पे मूव कर लेते हैं. तो टाइप करेंगे sudo space mv space docker-compose linux x86_64 space /user/local/bin. देन डोकर कम्पोज का वर्जन चेक कर लेते हैं. डोकर कम्पोज वर्जन v.2 इसमें इंस्टॉल हो गया है. नाउ स्टार्ट इनेबल डॉकर एंड डॉकर सर्विसेज, तो इसको इनेबल और स्टार्ट कर लेते हैं. sudo systemctl start docker and then sudo systemctl enable docker, तो इससे मेरा डॉकर स्टार्ट और इनेबल हो जाएगा. नाउ प्रोविजनिंग द नेटबॉक्स IPM सर्वर, ऑल द कंपोनेंट नीड्स टू बी बिल्ड नेटबॉक्स एज द डॉकर कंटेनर्स आर प्रोवाइडेड इन गिटहब रिपोजिटरी.
Here images are built and released on to Docker Hub and Q.io. तो हम ऐसे गिट हब से ऐसे डाउनलोड कर लेते हैं गिट क्लोन के थ्रू. तो गिट क्लोन उसके बाद हम उसका पाथ टाइप कर देंगे तो डाउनलोड हो गया. नेटबॉक्स हाइफन डोकर नाम से डायरेक्टरी देखिए मेरे उबंटु में आ गई है. अब हम इस डायरेक्टरी में एंटर करेंगे नेविगेट इनटू द नेटबॉक्स डायरेक्टरी. तो टाइप करिए सीडी स्पेस नेटबॉक्स हाइफन डोकर. तो डायरेक्टरी में आ गए हैं. मॉडिफाई द डोकर कंपोज वाई एम एल फ्रॉम द डोकर कंपोज ओवरराइड डॉट वाई एम एल डॉट एग्जाम्पल एज बिलो. तो यहाँ से ही हम कमांड कॉपी करेंगे और सिंपली पेस्ट कर देंगे. नाउ वी आर सेट टू स्टार्ट डॉकर कंटेनर्स बट फर्स्ट पुल द रिक्वायर्ड इमेजेस फॉर नेटबॉक्स PostgreSQL एंड रेडिस etc. तो हम टाइप करेंगे डॉकर हाइफन कंपोज स्पेस पुल. तो इससे मेरा PostgreSQL और रेडिस की जो इमेज है वो पुल हो जाएगी. सेवरल इमेजेस विल बी बिल्ड पुल्ड स्टार्ट द डॉकर नेटबॉक्स IPM कंट्रोलर. तो सिंपली टाइप कीजिए डॉकर स्पेस हाइफन कंपोज स्पेस अप. तो दोस्तों देखिए ये मेरा डॉकर कंटेनर अप होने लग गया है. व्हेन द प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड नाउ एग्जिट एंड इफ यू हैव फायरवॉल इनेबल्ड अलाउ पोर्ट 8000 क्योंकि नेटबॉक्स IPM 8000 पे वर्क करता है. तो आप सिंपली कंट्रोल सी कीजिए उसके बाद यहाँ पे आप अलाउ कर दीजिए पोर्ट 8000. sudo स्पेस UFW स्पेस अलाउ स्पेस 8000 स्लैश TCP. नाउ एक्सेस द डॉकर IPM. तो उससे पहले हमें डॉकर IPM बॉक्स को एक बार रन करना होगा क्योंकि वो को हमने क्लोज कर दिया था. देन रन कर दिया, अब इसको हम एक्सेस करेंगे अपने सर्वर की IP देन कॉलन 8000 जो कि पोर्ट है. तो दोस्तों देखिए IPM सर्वर मेरे सामने आ गया. इसको हम लॉगिन करेंगे. तो लॉगिन करने के जो यूज़र नेम है वो है एडमिन और पासवर्ड है एडमिन. तो आप सिंपली लॉगिन पे टाइप कीजिए, यहाँ पे टाइप कीजिए एडमिन और स्पेस अगेन एडमिन, पासवर्ड है एडमिन, देन साइन इन. तो साइन इन आप यहाँ पे आ गया है नेटबॉक्स का डैशबोर्ड के सामने. हम यहाँ पे आ गए हैं. यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन टैब है, डिवाइस है, IPM है, इसके अंदर आप IP एड्रेस ऐड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइट्स ऐड कर सकते हैं, रैंक्स है, टेनेंसी है, देन कॉन्टैक्ट्स हैं, डिवाइसेस के अंदर आप डिवाइस यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वर्चुअलाइजेशन के अंदर वर्चुअल मशीन यहाँ से ऐड कर सकते हैं प्लस करके. तो सो देखिए यहाँ से वर्चुअलाइजेशन अब मैं वर्चुअल मशीन ऐड कर सकते हैं इधर से. इंटरफेस क्लस्टर आप अपने यहाँ पे क्लस्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से. सर्किट्स एंड पावर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैनेजमेंट के सारे टास्क जो भी होते हैं यहाँ पे सब यहाँ पे हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.